Assalamualaikum viewers, hope you're doing well. जी तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जी हमारी, आज भी से स्टार्टिंग है जी. दुबई जा रहे हैं इंशाल्लाह. टाइम हुआ है तकरीबन 1 बजे का और 2:30 की हमारी फ़्लाइट है. हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है. आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 सफ़र अच्छा गुजरे. और काफ़ी अर्से बाद दुबई का चक्कर लग रहा है जी, तो उम्मीद तो करते हैं अच्छा ही होगा सफ़र. क्या क्या होगा सब कुछ दिखाएंगे आपको. उसमें सब दोस्तों भाइयों सबसे रिक्वेस्ट है व्लॉग को पूरा देखना है, एंड तक देखना है. अच्छा भाई कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम आपको पूरा एक्सप्लोर करके देंगे दुबई को, आपको मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे. वैसे तो दुबई आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इतनी आम जगह, कोई इतनी हाई क्लास जगह नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा. बट हम आपको हमारे वर्क के रिलेटेड से आप जो है ना आपको दुबई को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह. तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है जी, तो बिल्कुल जुड़े रहना है. पहले दुआ करेंगे हमें फ़्लाइट मिल जाए, क्योंकि पहली फ़्लाइट हम मिस नहीं करना चाहते. और अभी भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगने हैं हमें एयरपोर्ट पे जाते हुए, तो उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा जी. तो व्यूअर्स फाइनली हम लोगों की इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी थी. और मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि 1 घंटा पूरा फ़्लाइट लेट है. हमेशा की तरह हमें 1 घंटा लेट फ़्लाइट मिलेगी. और हसन भाई का भी इस पर फीडबैक लेंगे. बाकी अभी इमिग्रेशन वगैरह कम्प्लीट करके, बोर्डिंग कम्प्लीट करके अपनी जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम है जी A5. और A5 पे जाएंगे हम, देखना वो पार कैसा जाए. A5 पे जाना है हम लोगों ने, और वहाँ पे हमारा जहाज हमारा वेट कर रहा है. तो जल्दी से हम लोग जाएंगे जहाज पे. और वो लेवल का कंट्रास्ट बड़ा फिट मारा आपने, रेड शूज, पर्पल शर्ट, ब्लैक पैंट, ये क्या मूवी मारी आपने? ये मैं आपको दिखाता हूँ ना, मूवी क्या देखे इसको. चलिए के बात करते हैं जनाब वाले कसन अवान साहब, क्या सीन है? बहुत ख्वाब करती है यार इमिग्रेशन पाकिस्तान की. तोबा 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 तोबा. अच्छा उनको लग रहा था कि हम आतंकवादी हैं. आतंकवादी नहीं लग रहे उनको, क्या पता यार, दुनिया जानती है हमें, पूरी दुनिया जानती है. उनको बताएं भाई कोई इमिग्रेशन में हमारा कोई सब्सक्राइबर आया तो उसको बोलो भाई हसन भाई आ रहे हैं. हसन भाई आ रहे हैं, बोलो इनको हसन भाई के साथ बिठा के आधा घंटा हमें ना बताते रहे कि छंडे भी मारी है, जा रहे हैं आप चार मुल्कों में, क्यों जा रहे हैं? दिमाग खराब है भाई हमारा, जा रहे हैं पागल, हम जा रहे हैं भाई. लोगों ने बुलाया तो जा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप? जा तो असल में जहाज वाली शौक ही नहीं मार रही. बताए हमारी कौन सी है ये? क्यों मोबाइल मिलेगा जी? तो बता दें आप लोग कौन सी एयरलाइन पे असल भाई और मैं ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों मोबाइल जीत सकते हैं आप लोग? थोड़ी सी हवा तो ठंडी लगी है. ऐसे भी मैं जहाज हल्का सा दिखा ना, तो क्यों मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है? क्यों मोबाइल बंद हो गया? सभी लंबी कतारें हैं जी, ये व्यू है जरा एयरपोर्ट का. दुबई, हम लोग दुबई पहुंच गए हैं. अब हम जा रहे हैं अपने होटल, लेकिन उससे पहले हमने करनी है इमिग्रेशन. उसके बाद हम जा रहे हैं जी अपने होटल और फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि इस 3.25 घंटे की फ्लाइट ने हमारी वो हशर कर दिया है जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं वो हाथ धो के आया हूँ. और मजे का मजा आया यार, अच्छी एयरलाइन थी, सही एयरलाइन और बेहतरीन थी. बाकी का आगे जाके करते हैं सर, बाकी इंशाल्लाह अभी जाते हैं हम मरीना, फिर जाके आपको मरीने का होटल पे दिखाएंगे अपना कैसा होटल है हमारा. ठीक हो गया, तो ये क्यों इंतजार कर रहे हैं आप? किस चीज़ का इंतजार? ट्रेन आ रही है, ट्रेन पे बैठेंगे फिर जाएंगे फिर सवारी कराएंगे. यही है, ये नहीं है, ये तो जा रही है, यही है, यही
बोले बैठे हुए किस पे पीछे नहीं आ रही ये ट्रेन है बिल्कुल इंजॉय करने इस पूरी मूवमेंट को। आपको स्पेशल क्यों लेने आई है समय? ये देख रहे जी हम अकेले ही रह गए इसके अंदर और कोई भी नहीं है। फाइनली गाइस वी आर इन दुबई और जा रहे हैं होटल की तरफ। सारा प्रोसेस हो चुका है, अब आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत थकावट भी दी हुई है। हसन भाई भी पीछे बैठे हुए हैं और होटल जा के उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट का क्या प्रोसेस है।